को तो खुलने देते, आपने कार्यालय बंद कैसे रखा? एक मिनट, नहीं आपने कार्यालय जो तुम्हारी प्रॉब्लम है अपनी बात सर किस जगह पर निरीक्षण किया और क्या पाया आपने वहाँ पे? आज हमने यूपी एसआईसी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया और वहाँ पर 90% लोग अनुपस्थित थे। केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो थे, जो ड्राइवर हैं, सफाई वाले हैं, चौकीदार हैं, वो उपस्थित थे। शेष निर्माण खंड में एक ही एक जेई था और दो बाबू थे, मुश्किल थे 5-6 लोगों की उपस्थित थी। पूरा कार्यालय छुट्टी मना रहा, इसलिए कि MD इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, वित्त नियंत्रक आए नहीं, कार्मिक विभाग आए नहीं, यानी कोई उप प्रबंधक एक भी आया नहीं, सारे अधिकारी यहाँ छुट्टी पे। 11 बज गया, आपको आए हुए 4.5 घंटे हो गए, उसके बाद कोई तक की आया? हाँ, मैंने यहाँ कोई नहीं आया, कोई लोग बाहर नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि अपने गलती को छिपाने के लिए ये सब किया जा रहा है और ये चलने नहीं देंगे। यहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन लगेगी, मैंने अभी अपने सचिव को बोल दिया, यहाँ की स्थिति से अवगत करा दिया है और मेरी रिपोर्ट जाएगी और सीधी जो दोषी लोग हैं उनको एक दिन का वेतन काटने के मैंने आदेश दे दिए, वो सर्विस ब्रेक माना जाएगा, फिर वो उनकी प्रमोशन में वो बाधक होगा, उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये बड़ा दंड है, सबसे बड़ा दंड है और ये दंड दिया जाएगा क्योंकि कोई भी अनुशासनहीनता, कोई भी अनुपस्थिति और समयबद्धता ना होना ये स्वीकार नहीं। क्या है पूरा? मैं UPSIC में औचक निरीक्षण पे आया था और मैंने 1.5 घंटे तक यहाँ चेकिंग की। मैं 9:45 बजे आ गया था, 11 बजे तक कोई कर्मचारी नहीं आए थे, उसके बाद में वो आए थे, वो अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, हमने अंदर से बंद कर दिया था और ये तो ताला उन्होंने इस आक्रोश में दबाव बनाने के लिए किया है।